लेडीज ट्राउजर की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 38 इंच, हिप 36 इंच, वेस्ट 30 इंच, बॉटम 12 इंच, फुल लेंथ 38 इंच, हिप 36 इंच, कमर 30 इंच, मोरी 12 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ किस प्रकार निकालेंगे, लेंथ का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार है, फुल लेंथ प्लस सीव अलाउंस प्लस बॉटम टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 38 इंच है, सीव अलाउंस आधा इंच रखेंगे, बॉटम टर्निंग डेढ़ इंच। बॉटम टर्निंग जितना चाहे हम रख सकते हैं, अगर ज्यादा टर्निंग करनी है ज्यादा भी रख सकते हैं। टोटल हमारा हुआ 40 इंच में से अब हमें इसमें बेल्ट माइनस करनी है, फुल लेंथ माइनस बेल्ट लेंथ। फुल लेंथ हमारी 40 इंच माइनस हमने डेढ़ इंच बेल्ट लगाएंगे हम, तो डेढ़ इंच ही माइनस करेंगे। 40 इंच में डेढ़ इंच माइनस किया तो 38.5 यानी 38.5 इंच हमारी जो लेंथ है निकल करके आई। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इस फॉर्मेट के हिसाब से ही करेंगे, और ड्राफ्टिंग करते वक्त जो हमारी लेंथ है वो लेंगे हम। हमारी लेंथ है 38 इंच, जो मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट के हिसाब से ही हमें अपनी लेंथ जो निकालनी होती है। इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम जब लेंथ निकालते हैं तो हमें एडजेक्ट जो लेंथ चाहिए होती है तैयार, वही निकल के आती है। ये हमने अपनी ट्राउजर की लेंथ ली। लेंथ लेने के बाद हम इसकी निकालेंगे हिप की विड्थ और वेस्ट की विड्थ। तो निकाल ट्राउजर में विड्थ निकालने का जो मेथड है, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस डेढ़ इंच हिप डिवाइड बाय 4, 36 को 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच प्लस डेढ़ इंच, 36 को 9 से भाग किया 9 इंच आया, जमा उसमें डेढ़ इंच किया तो बराबर 10.5 इंच। हिप की जो हमारी लेंथ चौड़ाई निकल के आई वो 10.5 इंच। अब हम क्रॉस लाइन निकालेंगे। क्रॉस लाइन निकालने के लिए जो फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 3, हिप डिवाइड बाय 3 हमारा है 12 इंच। अब 12 इंच हमारा हिप डिवाइड बाय करके आया, इसमें माइनस करेंगे हम बेल्ट। बेल्ट हमने माइनस किया डेढ़ इंच, जब डेढ़ इंच इसमें से हमने माइनस किया 12 में से तो 10.5 इंच हमारी क्रॉस लाइन निकल करके आई। ध्यान से देखना, क्रॉस लाइन निकालने का मेथड है हिप डिवाइड बाय 3, 36 को 3 से डिवाइड करने पे 12 इंच आया, 12 इंच में से बेल्ट माइनस करनी है डेढ़ इंच, 12 इंच में से जब डेढ़ इंच माइनस किया तो 10.5 इंच हमारी क्रॉस लाइन निकल के आई। अब इस लाइन से हम 10.5 इंच पर हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ये हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया। ये लगाने के बाद जो हमें यहाँ पे हिप लाइन मिली थी 10.5 मिली थी, वो हमने यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाया। 10.5 ही हम यहाँ पे कमर पे निशान लगाएंगे। साढ़े दस हमने ये निशान लगाया इस प्रकार। ये लगाने के बाद हिप लाइन पे ध्यान देना है, हिप डिवाइड बाय 12 माइनस 1/2 इंच इज इक्वल टू 2
2.5 यानी कि ढाई इंच। 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 इंच है, 3 इंच में से माइनस हाफ किया तो ढाई इंच। इस लाइन से हिप लाइन से हम ढाई इंच आगे जाएंगे, ढाई इंच आगे जाके हमारी जो क्रोच लाइन है उसकी सेप करेंगे इस प्रकार। ये सेप करने के बाद हमारी बॉटम है 12 इंच, नीचे बॉटम का हम निशान लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ इस पर इसका सेंटर करेंगे। ये जो हमने हिप लाइन ली है ये यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल जो हिप लाइन है 10.5 प्लस ढाई टोटल होगी हमारी 13 इंच। यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ करेंगे। जब हम इसका हाफ करेंगे 10.5 तो ढाई हो गया हमारा 13 इंच। 13 इंच का हाफ किया तो हमारा है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमने यहाँ पे एक रेखा खींचनी है सीधी। ध्यान देना है ये जो हिप लाइन है हमारी यहाँ से ये हम आगे आने के बाद ये जो हिप लाइन है यहाँ से यहाँ तक का सेंटर करना है। सेंटर करके आगे सेंटर करके हमें यहाँ पे एक रेखा खींचनी है। सेंटर लाइन लेने के लिए हमने ये हिप लाइन की सेंटर किया, सेंटर करके ये रेखा खींची। इसके बाद हम बॉटम का लेंगे। बॉटम हमारी है 12 इंच, बॉटम का 2 आया हमारा 6 इंच। बॉटम हमारी 12 इंच है, बॉटम का हाफ किया तो 6 इंच आया। ये जो हमारी सेंटर लाइन है ये वाली, इस सेंटर लाइन से 3 इंच इधर 3 इंच इधर टोटल 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहां से यहां तक बॉटम का हाफ बराबर 6 इंच। ये जो सेंटर लाइन है सेंटर लाइन से हमने बॉटम का 4 किया। बॉटम को 4 करने पर 3 इंच इधर और 3 इंच ही हमारा यहां पर आया। ये टोटल हमारी 6 इंच है। लेकिन ये ध्यान देना ये जो सेंटर लाइन है इसके हाफ इधर ही हमें बॉटम लेनी है, वरना बॉटम हमारी फिर घूमेगी अगर हम सेंटर करके नहीं लेंगे तो इसलिए ये सेंटर किया। सेंटर लेके हाफ इधर 6 इंच का 3 इंच इधर करके हमने ये निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद ये जो हमारी हिप लाइन है इसको इस बॉटम लाइन से मिलाएंगे इस प्रकार। ये जो बॉटम लाइन है हमारी यहां से इसको मिला देंगे। इसी तरीके से हम बैक को मिलाएंगे। बैक को मिलाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी बॉटम है और ये लेंथ है जो हमारी, इस लेंथ के हाफ में आना है। हिप लाइन से बॉटम लेंथ का हाफ करना है। हाफ करके जितनी हमारी बॉटम है उतना ही निशान लगाना है। और इसको लेते हुए यहां से उठाते हुए ये जो क्रोच लाइन है क्रोच लाइन से उठाते हुए और हल्की हल्की शेप देते हुए हमें बॉटम लाइन से इस लाइन को मिला देना है। ये हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। अब हमें बैक की करनी है। बैक की करने के लिए हिप लाइन पे हमें जब आगे आना है और ऊपर जान उठाना है हिप लाइन को, बैक के लिए बैक में हमें हिप लाइन को बढ़ाना है हिप डिवाइड बाय 16। 36 को 16 से डिवाइड करने पे 2.25 इंच आता है। 36 को 16 से भाग किया 2.25 इंच। हिप लाइन को 2.25 इंच आगे जाना है। ध्यान देना है हिप लाइन को 2.25 इंच आगे जाना है। ये जो हमारी वेस्ट लाइन है इससे ऊपर जाना है हमें हिप डिवाइड बाय 24। हिप डिवाइड बाय 24 डेढ़ इंच। 36 को 24 से डिवाइड करने पे डेढ़ इंच आया। डेढ़ इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया। डेढ़ इंच पर ही हमने यहाँ पे इस लाइन के यहाँ पे निशान लगाया।
लाइन को लेंथ लाइन से मिलाना है, जो हमने डेढ़ इंच ब्रैक को उठाया है उसको लाइन से मिलाना है लेंथ लाइन से। सिर्फ इसमें हमें क्या है, क्रोच एरिया को एक डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेना है और लाइन जो हमारी लेंथ है वहीं पे आपके जहां लेंथ है वहां आके मिलाना है। ये जो हमारी लाइन थी हिप लाइन, हिप लाइन को जो हमें बैक के लिए हमने उठाई थी उसे इस तरीके से मिला देना है। ये मिलाने के बाद इसकी शेप करनी है। यहाँ पे शेप करने के लिए आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं या यहाँ से डेढ़ इंच पे निशान लगा के भी कर सकते हैं। बॉटम में हमें एक इंच बढ़ाना है, बैक की बॉटम में हमें एक इंच बढ़ाना है। एक इंच बढ़ा के ये ध्यान देना है क्रोच एरिया की तरफ बढ़ाना होता है, ये एक इंच बढ़ाना है। एक इंच बढ़ा के इसको मिलाना है हमें बैक के क्रोच से। एक इंच लेना है बॉटम के लिए और ये जो हमने सवा दो इंच पे निशान लगाया क्रोच एरिया का हिप लाइन का, इसको इस तरीके से मिलाना है बॉटम लाइन से इस प्रकार, ये मिलाना है। ये अब इसमें हम डॉट डालेंगे। डॉट क्यों डालेंगे, कमर पे फिटिंग देने के लिए। ये तो हमारी हिप का जो लेंथ थी वो निकल के आया, अब हमें यहाँ कमर पे फिटिंग देनी है। कमर पे फिटिंग देने के लिए डॉट डालेंगे। डॉट डालने का जो मेथड है वो है हमारा, डॉट की लेंथ लेंगे, डॉट की लेंथ लेने के लिए हिप डिवाइड बाय 8। हिप हमारा 36 है, 36 को 8 से डिवाइड किया तो 4.5 यानी साढ़े चार इंच। साढ़े चार इंच की हम जो है डॉट की लेंथ लेंगे और डॉट की डार्ट विड्थ निकालने के लिए हम यहाँ पे जो चौड़ाई लेंगे वो पौना इंच, एक इंच, जितनी हमें यहाँ फिटिंग देनी है उस हिसाब से हम यहाँ पे विड्थ का निशान लगाएंगे। ये जो हमारी सेंटर रेखा थी इस सेंटर रेखा पे साढ़े चार इंच हम नीचे निशान लगाएंगे। साढ़े चार इंच नीचे निशान लगा के ये हमें डॉट की लेंथ लेनी है। यहाँ पे हम डॉट की एक इंच या फिर आधा इंच या पौना इंच, जितनी आप फिटिंग देना चाहते हो उसी हिसाब से यहाँ पे पौना इंच एक इंच की डॉट मेंशन करेंगे। ये हमारी डॉट हुई। कमर की फिटिंग देने के लिए हमने इसका उपयोग किया। अगर डॉट कम ज्यादा डालनी है वो आप उस हिसाब से कम ज्यादा यहाँ पे अपने हिसाब से करेंगे। तो डॉट की लेंथ जो है हिप को डिवाइड करना है 8 से। जितने भी आपकी हिप है 36 है, 38 है, 40 है, 8 से डिवाइड करने पे डॉट की लेंथ निकल के आती है, एग्जैक्ट लेंथ होती है आपकी। यहाँ पे आपने मेंशन करना है जहां जितना भी ले रखा है आपने, उससे आपको एक तो याद रहता है कि हाँ मैंने यहाँ पे इतना लिया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था। हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 यानी डेढ़ इंच इज इक्वल टू 10.5 साढ़े दस इंच। ये हमने यहाँ पे एक एक इंच की डॉट डाली है। ये यहाँ पे डेढ़ इंच उठाया था बैक को, आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था हमने डेढ़ इंच। ये जो डेढ़ इंच लिया हमने फॉर्मेट हिप के अनुसार लिया, हिप को 24 से डिवाइड किया था। ये हमारी जो लेंथ है वो है यहां से यहां तक हमारी लेंथ है फुल लेंथ। अब हम इसमें बेल्ट शो करेंगे। बेल्ट की जो लेंथ थी वो हमने डेढ़ इंच माइनस की थी। बेल्ट की लेंथ हमने डेढ़ इंच माइनस की थी और जो बेल्ट की विड्थ है वो हम कमर के हिसाब से निकालते हैं। कमर हमारी
30 है, वेस्ट जो है हमारी 30 इंच है, यानी कि 30 इंच, तो वेस्ट का हाफ प्लस 1 इंच रखेंगे, 30 का हाफ किया तो 15 इंच, और जमा 1 किया तो 16। ये हमारी बेल्ट है, 1.5 इंच हमारी लेंथ थी और जो विड्थ है वेस्ट का हाफ प्लस 1 इंच। एक चीज का और ध्यान देना है, अगर आप जिप लगाते हैं ट्राउजर में तो बेल्ट हमारी जो है एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, जो बड़ी होगी वो हमारी होगी हिप डिवाइड बाय 12, हिप को आपको 12 से भाग करना है, 12 से भाग करने के बाद जितनी भी आपकी लेंथ निकल के आएगी चौड़ाई बेल्ट की उतना ही आपने एक्स्ट्रा रखना है बेल्ट का। ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ, अगर आप ओवरलैपिंग के लिए हमें चाहिए होता है जिप लगाते हैं तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे, एक साइड की तो हमारी होगी वेस्ट का हाफ और एक बेल्ट होगी हमारी ओवरलैपिंग के लिए हिप डिवाइड बाय 12, जितना भी हिप है उसको 12 से आपको भाग करना है, वो उसकी ओवरलैपिंग की लेंथ निकल के आती है हमारी बेल्ट की, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप ओवरलैपिंग के लिए बेल्ट ले रहे हो तो दोनों बेल्ट आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, एक बेल्ट हमारी वेस्ट का हाफ और दूसरी हमारी हिप जितना भी है उसको हमें भाग करना है 12 से, जो भी हमारी निकल के आएगी सेकेंड बेल्ट होगी, ये हमारी जो लेंथ है वो 1.5 इंच ही रहेगी, सिर्फ इसकी चौड़ाई में फर्क आएगा, चौड़ाई जो है यहाँ पे हम लेंगे हिप डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3 इंच। तो ये हमारी लेडीज ट्राउजर की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई।